पिछले दिनों पूरे मध्य प्रदेश में, विशेष रूप से प्रदेश के पश्चिमी अंचल में, खासतौर से नीमच, मंदसौर सहित और आजू बाजू के जिलों में जो अतिवृष्टि के कारण से फसलों के लिए क्षति हुई है, जनहानि हुई है, पशुओं की हानि हुई है, लाखों एकड़ की खरीफ की फसल बर्बाद हो गई है, सोयाबीन की, उड़द की, मूंग की और साथ में सब्जियां भी बर्बाद हो गई हैं, अरबों रुपए का नुकसान इन जिलों में हुआ है। इस विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से मांग करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि वह अविलंब विधानसभा का सत्र इस पूरी समस्या पर चर्चा करने के लिए, इस प्राकृतिक आपदा पर चर्चा करने के लिए सत्र जल्दी से जल्दी आहूत करेंगे, बुलाएंगे। दो दिन के सत्र में हम लोग परस्पर चर्चा करके बेहतर से बेहतर सरकार क्या कर सकती है, सरकार क्या कर रही है, यह जानने की लोगों के मन में इच्छा है, वह भी इसमें चर्चा में आएगा और हम लोग किस तरह से इस प्राकृतिक आपदा में लोगों की मदद कर सकते हैं और सरकार का सहयोग कर सकते हैं, यह भी हम चाहते हैं कि सत्र के माध्यम से हम इसमें चर्चा करवाएं। और इसलिए मैं मुख्यमंत्री से अपेक्षा करता हूं, मांग भी करता हूं कि इस प्राकृतिक आपदा पर चर्चा करने के लिए अविलंब वह विधानसभा का सत्र आहूत करें, बुलाएं। पिछले विधानसभा सत्र में जो बजट सत्र हुआ था उसमें भी 139 के अंतर्गत नियम 139 के अंतर्गत चर्चा होना थी, लेकिन वह चर्चा संभव नहीं हो सकी। दोनों प्रकार की चर्चाएं अब इस सत्र में विशेष रूप से होंगी और यह सिर्फ किसानों के और कृषि पर आधारित थी और इसी पर चर्चा पर आधारित सत्र होगा। मैं मुख्यमंत्री से अपेक्षा करूंगा कि वह अपनी संवेदनशीलता का परिचय देंगे।